brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. देश भर में आज पांचवें चरण का मतदान जारी है। यूपी में भी 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव की वोटिंग की जा रही है। इस चरण में जिन सीटों पर चुनाव है उनमें कई हॉट सीटें भी शामिल हैं। इन्हीं हॉट सीटों में से एक कैसरगंज पर भी मतदान आज है। मतदान के बीच ब्रजभूषण चरण सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने बेटे और बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह को लेकर बात करते हुए कहा कि कैसरगंज में वोट बढ़ने वाला है और करण भूषण मुझसे अच्छा काम करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैसरगंज में बस एक ही मुद्दा है, ब्रजभूषण चरण सिंह। करण भूषण सिंह हमसे अच्छा काम करेंगे और आप आज अभी पता कर सकते हैं कि उनका व्यवहार, मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, नियम से रहना, नियम से उठना, एक्सरसाइज, वो सारी चीजें से जुड़े हुए हैं। खिलाड़ी भी है और सीधे बेटा इधर आ जाओ। हम लोग गाँव में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार जो है गाँव में रहता है और गाँव का संस्कार खूब अच्छी तरीके से बच्चों को मिला। जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए, क्या वो कोई सुधार रहने वाला है? उस आरोप के कारण वोट बढ़ेंगे भाई, मोबाइल पर पीछे। तो मुद्दे कुछ और रहने वाले हैं यहाँ पर, जो गोंडा, कैसरगंज और पूर्वांचल की जनता है उनके बीच में। कैसरगंज में एक ही मुद्दा रहता है ब्रजभूषण सिंह, और जो आरोप लगाए हैं इन लोगों ने उसके कारण कैसरगंज लोकसभा में वोट बढ़ने वाले हैं। नेता जी, जिस तरीके से आपके बेटे पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो कौन सा चुनावी पैतरा आपने सिखाया है कि जिससे जीत हो सकती? भाई फाल मारेंगे और क्या है भाई। तो मतलब क्लीन स्वीप की तैयारी। भाई फाल जीत। नेताजी, 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया, क्या लगता है वो सार्थक होता हुआ? बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार। तो ब्रजभूषण सिंह ने करण भूषण को लेकर पूरा विश्वास जता दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता कितना भरोसा करण भूषण सिंह पर जता पाती है। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।